दूसरा धन, धन कितना लगाएंगे आप उतना मिलेगा, है ना। दोनों समझो, धन भी भगवान की सेवा में लगा। अभी देख लो, ये दो भाई है, दोनों भाइयों के पास 100-100 रुपया है जेब में। दोनों भाई बैंक में गए, नहीं धन की सेवा चाहिए ना, धन की सेवा बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी देखो, सभी लोग बाबा की मुरली सुनाते हैं, बाबा दे बहन जी तन से सेवा करो, मन से करो, धन से करो। तो बहन जी जब मुरली पढ़ती है तो ये भाई सुनता है, बाबा ने कहा बच्चे तन से सेवा करो। बाबा अंदर ही अंदर सोचता है, बाबा आज तन से सेवा नहीं कर सकते, नौकरी जाना है, खेती में काम है। फिर बाबा मुरली में सुनाया, बच्चे धन मन से सेवा करो। बाबा जहां तन लगेगा वहां मन भी लगेगा ना, आज मन से भी नहीं कर सकता। फिर बहन जी ने पढ़ा, बच्चे बाबा ने कहा धन से करो, हाँ बाबा धन से सेवा कर सकता हूँ। देखा जेब में 100 रुपया है, क्या करो। देखता है चारों तरफ, सब लोग कुर्सी पर चेयर पर बैठे हैं, देखो थोड़ी माताएं जमीन पर बैठी है, तो क्या करो, 100 रुपया में एक चेयर आएंगे। सीधा मार्केट में जाता है और 100 रुपया में एक चेयर ला के सेंटर में रखता है, चलेगा ना। धन की सेवा हो गया ना, तन से नहीं किया, मन से नहीं किया, नहीं हो सकता है। धन की कर सकता है, उसकी ताकत है। जेब में 100 रुपया है, एक मार्केट में गए, एक चेयर ला के रख दिया, माताएं कोई भी बैठे, चलेगा। बताओ, भाई बताओ। हाँ नहीं चलेगा भाई जी, श्रीमत तो मुरली बाबा के है ना, बाबा के श्रीमत है कि बहन जी का श्रीमत। श्रीमत तो मुरली है, तो बहन जी का श्रीमत पर चलना चाहिए कि बाबा की मुरली पर चलना चाहिए। ये भाई कुछ कहता है, आप बताओ, है ना। तो अभी ये भाई ने एक चेयर ला के रखा, चलेगा ना, चलेगा। माताएं बताओ, चलेगा। जो माताएं कहती भाई जी, उस भाई ने सही किया, वो हाथ उठाओ। देख लो आगे वाली माताएं उठाती नहीं है। हाँ मैंने सही नहीं किया, सही किया तो उठाओ, जो कहते सही। चलो भाई बताओ, जो भाई ने किया उसको विचार आया, मुरली सुनकर उसके जेब में 100 रुपया थे, उसने एक चेयर ला के धन की सेवा किया, जो समझते सही किया वो हाथ उठाओ। अरे ये उठाते नहीं है, आप भी नहीं उठाते हो, क्यों सही नहीं किया। ये भाई अलग कहता है, ये भाई अलग माता है। बताओ, चलो बहन जी पर पूछते हैं, टीचर बहन से ही बताएंगे। हाँ बहन जी आप बताओ, अभी इन्होंने सही किया ना, भाई जी ने कहा तन से नहीं कर सकता है, मन से नहीं करता है, 100 रुपया है मार्केट में जाके, थोड़ी माता है जमीन पर बैठी है, दया आया, एक चेयर ला के रखा, चलेगा ना। बहन जी नहीं चलेगा, माता जी कहते चलेगा, बहन जी कहते नहीं चलेगा। क्यों, दीदी का मुरली है कि बाबा की मुरली, श्रीमत दीदी का कि बाबा का। हाँ ये यही बाबा मुरली में कहता है, बच्चे श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना। श्रीमत में मन मत कैसे मिक्स होता है, दूध में पानी मिला सकते हो, तो श्रीमत में मन मत मिक्स होता है। हाँ ये समझ में नहीं आता, इसलिए उदाहरण बताया। तो बाबा का श्रीमत है, मुरली बाबा की है, मुरली सुन रहे हो, सुनते सुनते मुरली सुन के बाहर कुछ करो मुरली के अनुसार। यहां कुछ करना चाहते हो, अभी मैं देखो बहन जी एक एक को ला करके इधर बिठाती है, अब कहते बाबा का आ करके मैं इधर बैठ, इधर सोफा खाली है, अब एक माता जी आएंगी ये सोफा भी खाली है, मैं इधर बैठती हूँ, चलेगा ना। हाँ देखो बहन जी एक एक को बिठा के एक एक जगह पर बिलाती, यहाँ इस हॉल के अंदर व्यवस्था करने वाली निमित्तात्मा है, व्यवस्था करने वाली है। घर में माँ बाप है, बच्चे कहेंगे ये टेबल इधर नहीं उधर रखो, वो इधर नहीं उधर रखो, नहीं मम्मी ये इधर नहीं उधर रखा, मम्मी पापा को पूछ के करना है। यहाँ भी यहाँ के विश्वास सेंटर की व्यवस्था करने वाले जिम्मेवार है। बहन जी को पूछता, बहन जी बाबा ने कहा कि आज बच्ची सेवा करो, बहन जी मैं तन से सेवा नहीं कर सकता, नौकरी में जाना है, मन से नहीं कर सकता, धन से कर सकता हूँ। तो मेरे मन में विचार आया 100 रुपया में मैं चेयर लेके आता हूँ। नहीं भैया बहुत चेयर है, रखने के लिए जगह नहीं है, आप भंडारे में डाल दो
और कुछ सेवा में लगाएंगे तो एक का पदम गुना मिलेगा। अगर आपने बाबा ने कहा मार्केट में आके चेयर ला के रखा, पहले से चेयर है, रखने के लिए जगह नहीं, तो काम का नहीं है। अगर यहाँ कुछ करते हो सेंटर में, तो जो निमित्त आत्मा उसको पूछ के सेवा करनी चाहिए। आप कहेंगे माता जी कहेंगे ये ठीक नहीं, इधर उठा के इधर रख दो, वो भाई कहेगा ये इधर नहीं इधर रख दो, हमारे बाबा का सेंटर हम जो चाहे करें। नहीं, बाबा का सेंटर होते हुए भी यहाँ की जिम्मेवारी संभालने वाले निमित्त आत्मा है, उनको पूछ के हर काम करते हो तो एक का बदम गुना जमा होगा। अगर पूछा नहीं, बाबा ने मुरली में कहा मैंने किया, तो उसका श्रीमत में मनमत मुझे अच्छा लगा। हाँ, मुरली सुनकर बाहर कुछ कर सकते हो, यहां नहीं, यहां की जिम्मेवार आत्मा है संभालने वाली, उसको पूछ के करना चाहिए। समझ में आया? धन की सेवा कैसे करना और